दोस्तों ये वीडियो जो है 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्लास टेंथ के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरा पढ़ाया जा रहा है, ये हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ा दिए हैं, आप लोग जाके मेरे चैनल पर ये रमित स्टडी सेंटर पर जाके देख सकते हैं। आज हम लोग इसी में हम लोग विद्युत चैप्टर हम लोग को देखना था, विद्युत चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग विद्युत चैप्टर यहाँ पे 3 नंबर चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, एकदम सिंपल वे में हम लोग समझेंगे और बनाएंगे। पिछला वीडियो में आप लोग नहीं देखे होंगे तो ये अमृत स्टडी सेंटर पे जाके आप लोग देख सकते हैं। देखिए हम लोग का दोस्तों यहाँ पे विद्युत चैप्टर जो है इसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए कह रहा है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, है ना। इसको सिंपल वे में आप लोग याद सकते हैं, ताप बढ़ेगा तो हम लोग का प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक हम लोग का एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक हम लोग का विद्युत शक्ति का होता है वाट, शक्ति का क्या होता है वाट। ये सब याद करने वाला है, देखिए 16 में भी पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 में पूछा है, तो ये सब हो सकता है कि रिपीट भी क्वेश्चन कर दे, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िएगा। क्या नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो विभवांतर मापने वाला यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर। विभवांतर मापने वाला यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है आर इक्वल टू वी बटा आई, वी बटा आई, आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू वी, यहाँ पे आई इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर होता है, तो उसी पर हम लोग का प्रतिरोध निकाल सकते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध I इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो हम लोग का प्रतिरोध होता है R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा I हो जाएगा। एकदम सिंपल से याद रखिएगा, कहने का मतलब देखिए यहाँ पे V इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो हम लोग को R पूछ, I पूछ रहा है ना, R पूछ रहा है, तो V बटा I हो जाएगा बराबर R, R। ठीक है, तो एकदम सिंपल वे में हम लोग इसको याद कर सकते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 8 नंबर के धातुओं में धारावाहक होते हैं, धातुओं में धारावाहक क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातुओं में धारावाहक क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, परिपथ में विद्युत धारा की माप जो होता है हम लोग एमीटर से करते हैं ना, धारा का माप हम लोग एमीटर से करते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों 10 नंबर के किसी उपकरण में पॉजिटिव यानी धन, निगेटिव यानी ऋणात्मक का चिन्ह नहीं होता है, किसमें होता है, तो सी नंबर में यानी जो है कुंडली में हम लोग का जो है चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए 15 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मीटर 10 ओम और 20 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो 30 ओम हो जाएगा। श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे आर इक्वल टू होता है दोस्तों, आर इक्वल टू होता है आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू होता है। ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में हुआ तो यहीं 10 श्रेणी क्रम में, तो 10 + 20 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 10 + 20 बराबर 30 हो जाएगा, एकदम सिंपल हमें इसको भी बना सकते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर की 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का अति 24 जूल हो जाता है। ठीक है, 24 जूल हम लोग क्या करते हैं, जूल गुना कर देते हैं ना, वी इंटू यहाँ पे कूलम होता है, वी सी हो जाता है। ठीक है, डब्ल्यू बराबर यानी वी बराबर हो जाता है वी सी, है ना, वी बराबर 20 और ये 2 गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 12 × 24 2 सेकेंड, यहाँ पे हम लोग का 12 × 24, हाँ 24 हो जाएगा सिंपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक हम लोग का वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट से 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त या हाँ उपयुक्त शक्ति कितनी होती है, तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होती है, 10 का हो जाएगा हम लोग का दोस्तों सी नंबर, 10 का सी नंबर 50 वाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50 वाट, सिंपल में इसको भी याद रख सकते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि बल्ब की आयु की वृद्धि के लिए इसमें से कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसमें निष्क्रिय गैस भर जाती है यानी आर्गन और ये नाइट्रोजन भी भर सकते हैं, आर्गन और नाइट्रोजन को भर सकते हैं, इसको याद रखिएगा, आर्गन ये सब निष्क्रिय गैस होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग दोस्तों 16 नंबर के परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है, तो 2 विभवांतर के बीच में मापा जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, बी नंबर, इसको बी बोलेंगे, वोल्ट मीटर से मापते हैं। परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है,
वोल्ट मीटर से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती है, विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती है, तो ये हो जाएगा हम लोग का टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए, है ना, निष्क्रिय गैस भर जाती है, क्योंकि ये जो होता है टंगस्टन को गलने से बचाने के लिए भी, और प्लस इसके वाष्पन, यानी ये क्या होता है वाष्प बन के उड़ने लगता है टंगस्टन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं निष्क्रिय गैस भरते हैं। फिर हम लोग का क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेश के प्रभाव को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रभाव को क्या कहते हैं, तो ये होता है हम लोग का विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धारा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किन में नहीं होता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग जो है किन में नहीं होता है, तो डी नंबर है विद्युत पंखा में जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव नहीं होता है, तापीय प्रभाव नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी क्रम समायोजित समानन मान के चार प्रतिरोधों के समूह का तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है, प्रत्येक प्रतिरोध के मान हैं, तो डी नंबर हो जाएगा 4 ओम हो जाता है। किस तरह, तो देखिए 4 ओम कर रहा है ना, 4 प्रतिरोध दिया है, तो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग क्या, तो प्रतिरोध यानी 16/4 कर देते हैं, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16 ओम हो जाता है। ठीक है, 4 प्रतिरोध यहाँ पे बोला है ना, इसीलिए हम लोग 16 से भाग कर देते हैं, सिंपल I इक्वल टू V/R ओम, हाँ ऐसे हो जाता है। ठीक है, R इक्वल टू V/I, हाँ ऐसे होता है, सिंपल भाग देने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 23 नंबर कह रहा है कि 1 किलोवाट की विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी, है ना, तो ये हो जाएगा 4.55 एम्पियर हो जाता है। इसमें करते क्या होंगे हम लोग, यहाँ देखिए बता रहे हैं 22 चौका, सिंपल विद्युत धारा कह रहा है ना, विद्युत हीटर में इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम लोग आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ये सब फॉर्मूला हम भी थोड़ा सा भूल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 किलोवाट हीटर की कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी तब उसे 100 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना दोस्तों, सी नंबर 20 एम्पियर हो जाएगा, कितना 20 एम्पियर हो जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि यदि किसी चालक से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने में 1 जूल कार्य हो तो उस पर चाल के प्रतिरोध के बीच विभवांतर होगा, तो ए नंबर हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाता है, 1 जूल कार्य कर रहा है तो परस्पर उस पर कार्य का विभवांतर कितना हो जाएगा 1 वोल्ट ही हो जाएगा। फिर है, ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध किस निर्भर करता है, तो इस पर सभी पे, चालक की लंबाई पर भी निर्भर करेगा, चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, चालक के लंबाई पर, चालक के प्रकृति पर, और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, किस चालक के प्रतिरोध निर्भर करता है, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र बोलते हैं, यानी जनित्र यानी जनरेटर होता है ना, उसी को जनित्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, उसका फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो उसका फिलामेंट का प्रतिरोध हो जाएगा 484 हो जाएगा, 484। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि 1 किलोवाट, देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता भी है, इसको याद रखिएगा, 1 किलोवाट का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, तो 1 किलोवाट का व्यवहारिक मात्रक यूनिट होता है, 1 किलोवाट आवर का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, तो यूनिट होता है। फिर कह रहा है कि बिजली का फ्यूज का तार बना होता है, तो बिजली के फ्यूज का तार बना होता है किसका, तांबे का, बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है, तांबे का बना होता है। फिर 31 नंबर कह रहा है कि 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का मान होता है 0.24, 1 जूल का मान कितना होता है 0.24 कैलोरी होगा, 0.1 जूल का 1 जूल का मान कितना होता है 0.24 कैलोरी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बल्ब के तंतु बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो होता है क्या होता है दोस्तों, 1 नंबर इसका गलनांक जो होता है, मतलब इसका गलनांक जो होता है बहुत हाई होता है और ये जल्दी गलता नहीं है, इसलिए तंतु का जो है टंगस्टन का ही बनाया जाता है। ठीक है, देखिए 3380 डिग्री सेल्सियस रहता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध क्या होता है, तो ए नंबर हो जाता है बढ़ता है, लंबाई बढ़ेंगे तो तार का प्रतिरोध क्या होता है बढ़ता है, है ना, तार का प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए R इक्वल टू ρ L/A होता है, इसको याद रखिएगा, L/A होता है, L/A यानी पृष्ठ क्षेत्रफल। यदि हम लोग देखिए ए नंबर
अगर देखिए लंबाई बढ़ाते हैं, लंबाई बढ़ाते हैं तो ये भी क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। यहाँ पे होता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होता है, ठीक है, एल बाई ए। अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर लंबाई इसका लंबाई बढ़ाते हैं तो लंबाई घटाते हैं तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखिएगा तो इससे बहुत फॉर्मूला बन जाएगा, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो बाई एल होता है, एल बाई ए होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये मेन फॉर्मूला है हम लोग का, किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिर हम लोग का कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक हम लोग का क्या होता है, तो जूल होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है हम लोग का ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है दोस्तों, ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक हम लोग का ओम होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 35 नंबर, क्या कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल हम लोग का क्या होता है दोस्तों, तो इसका हम लोग का बी नंबर हो जाएगा, इसके संबंध एक अभिकर्ता होगा, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से आप लोग याद करिए। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है कि विभवांतर इनमें किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, विभवांतर जो है किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, तो विभवांतर जो है इलेक्ट्रॉनों में गति प्रदान करता है, क्या, इलेक्ट्रॉनों में, देखिए इलेक्ट्रॉनों में कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों में गति का प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ऊष्मा किसमें व्युत्क्रमानुपाती होता है, धारा के वर्ग के, है ना, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं, क्या होते हैं, गतिशील कण होते हैं, प्रोटॉन, बोले ना, यहाँ पे अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि देखिए ये भी जो है गतिशील गति प्रदान करते हैं, तो किसमें, इलेक्ट्रॉन में। और यही क्वेश्चन फिर यहाँ पे भी हम लोग का कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये भी जो है गतिशील कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि अगर प्रतिरोध, यदि प्रतिरोध का प्रतिरोध R हो और परिपथ 2 सेकंड में एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ताप का मान होगा, उत्पन्न ताप का मान होता है तो H=I²RT होता है, H=I²RT होता है, यानी क्या चीज़, ताप का पूछ रहा है, हीट होता है, H=I²R/T होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर, किसी विद्युत स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति का मान क्या होगा जब क्यू आवेश भी विभवांतर पर टी सेकेंड तक प्रभावित होता है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर वी आई हो जाएगा, ठीक है, वी आई, क्यू इक्वल टू वी आई होता है, अब इस क्यू इक्वल टू वी आई होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि चांदी के तार की ताप बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो ए नंबर उसका भी बढ़ेगा, जब ताप बढ़ाते हैं तो उसका भी क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, जब ताप बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो उसका प्रतिरोध जो है क्या हो जाएगा, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध स्थिर रहता है, अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध जो है क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, स्थिर रहता है। अर्धचालक क्या होगा, अर्धचालक जो यहाँ पे जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होता है ये सब होता है अर्धचालक, और अर्धचालक में क्या होता है दोस्तों, अर्धचालक में ताप बढ़ते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, स्थिर होता है, इसको याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाता है हम लोग का 1.62×10^19 कूलम हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिए 44 क्वेश्चन हम इसमें देख लिए हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे विद्युत धारा वाला चैप्टर देखेंगे हम लोग, ठीक है, विद्युत धारा वाला चैप्टर देखेंगे, एकदम सिंपल वे में इसे ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें आप लोग को कभी भी दिक्कत नहीं होगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसमें चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, कैसे होता है, ये सब क्वेश्चंस को हम लोग एकदम सिंपल वे में देखने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए ये जो है हम लोग का पिछला क्वेश्चन भी बहुत सारा आया हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं, जो हम लोग का हो सकता है बहुत सारा
क्वेश्चन क्या करता है, रिपीट करता है। कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे, मान लीजिए सब्जेक्ट से ही ना क्वेश्चन लाएंगे, तो ये सब क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट करेगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर एक दिन आप लोगों को ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन शुरू किया गया है यहाँ पे, इसमें भी हम लोग 30 क्वेश्चन प्लस इसमें का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली का डेली आप लोग को ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जाते जाते एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।